में सामाजिक न्याय के नायक व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बीपी मंडल की 102वीं जयंती रेलवे ओबीसी यूनियन के कार्यालय परिसर में संपन्न हुई। श्री कृष्ण आस्था मंच तथा ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित बीपी मंडल की जयंती पर उपस्थित लोगों ने श्रद्धांजलि दी। वक्ताओं ने कहा कि उनकी स्मृति हम सब के लिए प्रेरक है। इस दौरान कार्यक्रम में उपस्थित बिहार प्रदेश असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुदनानी ने कहा कि श्री कृष्ण आस्था मंच की तत्वाधान में 102वीं जयंती महामानव बीपी मंडल जी की मनाई जा रही है। आज बहुत ही विस्तृत पैमाने पर मनाई जा रही है और आज के दिन निश्चित रूप से पिछड़ों के लिए सबसे सुनहरा दिन है। और आज के दिन हम लोगों को संकल्प लेना है कि देश के तमाम पिछड़े एकजुट होकर के एक नीति में आकर के और एक आरक्षण व्यवस्था में आकर के देश को आगे बढ़ाए। लेकिन देश वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था जो है इसके ठीक उलट है। आपके चैनल इसके चैनल के माध्यम से हम लोग यहाँ पर दो तरह से आवाज़ उठा रहे हैं। पहला हम लोगों ने ये कहा है कि महामानव श्री बीपी मंडल स्वर्गीय बीपी मंडल जी को भारत रत्न की उपाधि से निश्चित रूप से सम्मानित किया जाए। और आज के दिन जो यूपी गवर्नमेंट ने आरक्षण को ख़त्म करने की अंतिम कील ठोकी है इसका निंदा प्रस्ताव भी हम लोग यहाँ से कर रहे हैं। और मैं असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सारा समर्थन श्री कृष्ण आस्था मंच के तमाम सदस्यों को जो पूरे बिहार में ओबीसी के तमाम एम्प्लॉयज यूनियन के तमाम सदस्यों को पूरा समर्थन है हमारा। आज समर्थन के क्रम में यहाँ आए हैं और हम लोग असंगठित कामगार कांग्रेस की तरफ से जिस कांग्रेस ने प्रथम बार महामानव बीपी मंडल जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया उसी कांग्रेस के तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि आने वाले समय में उनको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया जाना चाहिए। यह प्रस्ताव हम लोग अपनी तरफ से वहां पर दे रहे हैं। मैं राजेश गुरनानी प्रदेश अध्यक्ष बिहार असंगठित कामगार कांग्रेस। धन्यवाद। श्री कृष्ण आस्था मंच और ओबीसी एम्प्लॉय एसोसिएशन के तत्वाधान में आज महामाना स्वर्गीय बीपी मंडल जी की 102वीं जयंती मनाई जा रही है। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसे असाधारण मानव जिन्होंने पिछड़ों के लिए सर्वप्रथम आगे बढ़कर उन्हें सामाजिक न्याय देने का काम किया, निश्चित तौर पर वो हमारे रग रग में और हमारे विचारों में समाहित हैं। मैं स्पष्ट तौर पर इस देश के युवाओं से आग्रह करता हूँ, अपील करता हूँ कि जिस तरीके से सरकार उन्हें गुमराह कर रही है, उन्हें भटका रही है, वो भटके नहीं। और जो उनके मौलिक अधिकार हैं जिनका हनन हो रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये उनका हक है, उन्हें मिलनी चाहिए। सरकार इससे भटकाने का काम कर रही है। ये सरकार 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने के नाम पर आई थी, यह भी पूछा जाना चाहिए क्या युवाओं को नौकरी मिली। देखा तो ये जा रहा है कि जो लोग नौकरी में हैं वो अब नौकरी छोड़ने को मजबूर हैं। इसलिए ये और भी आवश्यक होता है कि बीपी मंडल को हम लोग सिर्फ पुष्प ही अर्पित ना करें बल्कि उन्हें अपने विचारों में समाहित करें। तमाम युवाओं को जो भटक रहे हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आए, वो अपनी मांग को जारी रखें और धर्म आस्था के नाम पे जिस तरीके से उन्हें तोड़ा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है, उन्हें बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। कि राजनीति और धार्मिक चीजें में मिलावट नहीं होनी चाहिए, दोनों अलग अलग चीजें हैं। निश्चित तौर पर धर्म का राजनीति से कोई मेल नहीं होना चाहिए। अगर कोई इसे लाते हैं तो वो सिर्फ अवसर को भजाने के लिए। मैं रेल कर्मी कटिहार
और ओबीसी एम्प्लॉयज एसोसिएशन का तो सदस्य हूं। मिलावटी सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश चूंकि हमारा दायरा सीमित है इसलिए मैं बहुत कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन लोग समझ रहे हैं, अब सभी लोग समझ रहे हैं। क्या नाम? और क्या बात? सुनील कुमार।